इस समय हमारे साथ भाजपा से सांसद रामवीर सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। सर, मैनिफेस्टो की तैयारी जो आज ये पूरा डिस्कशन की जाएगी, मैनिफेस्टो को लेकर लोगों को जनता की राय भी जानी जाएगी, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, 5 तारीख से हमने ये सिलसिला शुरू किया। 5 तारीख को घोषणा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, दिल्ली के जो अनेक RWAs हैं, उनके साथ बैठक की और बैठकें प्रातः 10:30 बजे शुरू हुई और शाम को 6 बजे तक चली। दिल्ली की सभी RWAs कल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। लगभग 3,000 से ज्यादा RWAs के मेंबर्स कल की बैठक में सम्मिलित हुए और जैसे मैंने आपको बताया कि कमेटी के सभी वरिष्ठ जो सदस्य हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी स्वयं उपस्थित रहे और RWAs की ओर से जो राय रखी गई, जो सुझाव रखे गए, उनको बाकायदा नोट किया गया और हम अपनी मैनिफेस्टो में उनकी जो भी समस्याएं हैं, जिनका समाधान कल भाजपा की जब दिल्ली में सरकार बनेगी हम उनका समाधान कर सके, इसकी गारंटी हम अपने जरूर लोगों को देंगे। मैनिफेस्टो जो हम बना रहे हैं, हम केवल लोगों से टेलीफोन पर फीडबैक ले लें या चलते फिरते हम लोगों से बातचीत करें, वो उचित नहीं। इस बार हम अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ बैठ कर कर रहे हैं। आज युवा साथियों के साथ NDMC के कन्वेंशन सेंटर में बैठक हुई। अब हमारे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो हमारी साथी हैं, उनकी फेडरेशंस हैं, उनकी RWAs हैं, उनके सभी दिल्ली भर से सभी ऑफिस बीयरर्स आए हुए हैं। हम उनकी बात सुनेंगे और जो भी उनकी जनमन समस्याएं हैं और हमको अपने घोषणा पत्र में उनको सम्मिलित करना चाहिए और घोषणा पत्र में हम जो वायदा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उस वायदे को फिर पूरा करती है। तो जो घोषणा पत्र हम बनाने जा रहे हैं, लोगों से फीडबैक लेकर हम घोषणा पत्र बनाने जा रहे हैं और आज जैसे मैंने आपको बताया कि आप जरूर इस बैठक में रहें, इसको कवर करें, किस तरह से लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, हम जो हमारे इंडस्ट्री के साथी आए हैं उनका भाषण सुनने के लिए या उनके सुझाव सुनने के लिए आए हैं। हम उनको नोट भी करेंगे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और जो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उनके समाधान के लिए भी हम उनको कमिट करेंगे और मैनिफेस्टो में यदि हम सम्मिलित करेंगे तो सरकार में आने के बाद हम जरूर उन समस्याओं का समाधान करेंगे। अहम सवाल और आखिरी सवाल है, राज्यसभा में जिस तरीके से कांग्रेसी सांसद की सीट की नोटों की गड्डी पाई गई, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए लोकसभा राज्यसभा के सभापति महोदय ने एक इंक्वायरी की घोषणा कर दी है। अब उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही उसके ऊपर कुछ चर्चा की जा सकते है। अब वो जो भी रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा किस तरह से हमारे साथ भाजपा से सांसद रामवीर सिंह भदौरिया जी मौजूद रहे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी रखी। मैनिफेस्टो की तैयारी जो है इस समय जो है दिल्ली में शुरू हो चुकी, BJP द्वारा लोगों की राय जानी जाएगी जो कि मैनिफेस्टो में जिन मुद्दों को जोड़कर आगे आपकी बार बढ़ा जाएगा। आप देखना ही होगा कि आने वाले विधानसभा में हम किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ खुशाना TV 100 दिल्ली।